हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ माधवी सिंह। आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों नहीं संडे को कुछ ऐसा चटपटा सा बनाया जाए ताकि आपकी फैमिली नेक्स्ट टाइम पूरे संडे का वेट करे, क्योंकि संडे को कुछ अलग सा बनाना चाहिए, वरना तो पूरे दिन भागा दौड़ी सी लगी रहती है। आज मैंने सोचा तंदूर जलाकर उसमें स्टफ पराठा बनाते हैं। इसके लिए मैंने चार चीज़ें ली हैं क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट होगा। सबसे पहले तो मैंने इसको आटे को गूंदा है, इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी, हल्का सा ऑयल डालकर मैंने, और इसको दूध के साथ थोड़ा सा मैंने इसको गूंदा है ताकि हमारा जो भी हमारी रोटी बने वो थोड़ी सॉफ्ट बने और खाने में टेस्टी बने। आप देख रहे हैं सबसे पहले मैंने ली है मशरूम। मशरूम को मैंने थोड़ा बारीक बारीक काटा है। इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर, धनिया, अजवाइन और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जीरा और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली। इसको मैंने काट लिया, ये देख रहे हैं आप। नेक्स्ट मैंने लिया है ये पनीर। पनीर को मैंने कद्दूकस नहीं करा, पनीर को मैंने बारीक बारीक काट के थोड़ा सा हाथों से क्रश कर दिया इसको। इसके अंदर मैंने सेम चीज़ें डाली हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें थोड़ा मैंने ओनियन भी डाला है। ओनियन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि पनीर फिर बहुत ज़्यादा मेल्ट मेल्ट सा हो जाएगा, इसमें थोड़ा क्रिस्पी पन है। अगर आप ये ओनियन खाना नहीं पसंद करते तो आप नहीं डाल सकते। नेक्स्ट मैंने लिया है फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है। बाकी सब चीज़ें इसमें वैसे ही मैंने ऐड करी हैं जैसी उसमें मैंने ऐड करी हैं। बस इसके अंदर थोड़ा सा मैंने अभी जो भी मसाला मैंने डाला है इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी डाल दिया, थोड़ा फ्लेवर थोड़ा चेंज करने के लिए। ये नेक्स्ट मैंने लिया है पोटैटो। पोटैटो को मैंने बॉयल करके इसको मैंने कद्दूकस किया है अच्छे से, ताकि हमारे साथ रोटी के साथ जब हम इसको बेलें तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जाएगा और अच्छी सी रोटी बनेगी और सब जगह इक्वली इसका लेयर आएगी। ये देखिए इसमें भी सब कुछ सेम डाला है मैंने, जिंजर वगैरह, धनिया पत्ता और आप देख रहे हैं अजवाइन, जीरा, हींग, इन सब में मैंने सेम डाला है। इसकी हम चपाती बनाएंगे स्टफ़, और जिसके साथ हम चटनी के साथ खाएंगे क्योंकि चटनियाँ मैंने अलग अलग बनाई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा तंदूर जल रहा है। आप देख रहे होंगे इस तंदूर के अंदर ये मैंने डाले हैं, ये नारियल है सूखा हुआ, क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में नारियल तो पानी पिया जाता है। मैं इसको सुखा लेती हूँ, सुखाने के बाद ये बहुत अच्छे से ईंधन का काम करता है। ये देखिए हमारा तंदूर तैयार हो रहा है, अच्छे से लाल हो जाएगा, फिर हम फटाफट चपाती लगाएंगे, तो मैं टाइम नहीं लगेगा चपाती लगाने में। ये एक रॉड की हेल्प से मैं इसको हीट को नीचे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। आप कभी भी तंदूर जलाएं तो खुले जगह पे जलाएं। अब जैसे कि मैंने इसे अपने टेरिस पे रखा हुआ है और हमेशा जहाँ मेरे पास में पानी भी है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हाथ के हाथ पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने टेरिस पे रखा हुआ है, मेरी टेरिस है, देखिए यहाँ मैंने प्लांट लगाए हुए, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। देखिए जब तक हमारा तंदूर हो रहा है हम रोटी की तैयारी करते हैं। आप देख रहे हैं रोटी लग जाने के बाद इस तंदूर में इतनी हीट थी जिससे मैं बिल्कुल वेस्ट करना नहीं चाहती थी। मैंने इसके अंदर काबली चने रख दिए उबलने के लिए, ये रात तक उबल जाएंगे, डिनर के तक मेरा तैयार हो जाएगा। वैसे तो जो ये मैंने खाना बनाया लंच में, अगर आप खा लेंगे दो दो तीन तीन चपाती हुई तो रात तक बहुत हो जाएगा, आपको कमी भूख लगेगी। और आप दूसरा आप जानना चाहेंगे कि मैंने तंदूर कहाँ से लिया तो मैं आपको बता दूँ, मैंने दिल्ली में कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन के पास से लिया है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो अपने आसपास कहीं पता करिए, अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, गैस तंदूर पे बना सकते हैं आप, नहीं तो आप तवे को उल्टा करके उस पर भी ये चपातियाँ बना सकते हैं। ये देखिए हमारी चपातियाँ तैयार हो चुकी हैं, हमने इसको बटर के साथ सर्व किया क्योंकि बटर के साथ ये टेस्टी लगेंगी गर्म गर्म।
इसको कभी भी सब्जी के साथ सर्व मत कीजिएगा, सब्जी से इसका अपना फ्लेवर खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने चटनी ली है, ये धनिया और पुदीने की चटनी है। सेकंड आप देख रहे हैं, ये लाल टमाटर की चटनी है। थर्ड चीज चटनी है वो लहसुन है, उसके पत्तों की चटनी है। चटनी हमारे देश में बहुत मस्त है। चटनी हमारे देश में हर तरह के खाने के साथ खाई जा सकती है, दाल के साथ हो चाहे किसी भी तरह की सब्जी हो, उसके साथ चटनी खाना पसंद करते हैं। चटनी क्योंकि हमारे डाइजेस्ट को बहुत अच्छा से रखती है, हेल्थ के लिए भी बेस्ट है। अब गर्मी है कि इसलिए हमने छाछ को इम्पोर्टेंस दी है। ये देखिए छाछ है, इसमें आप जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ये जीरा है और सूखे हुए पुदीने की पत्तियाँ हैं। पुदीना आप जानते हैं शरीर को बहुत ठंडक देता है, गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब अगर आपने ये खाना खा लिया तो फिर आपको मीठा भी चाहिए। मीठे में हमने आइसक्रीम ली है, देखिए। अगर आपने संडे को खाना खा लिया तो आपका दिन तो बहुत अच्छा निकल गया, संडे आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग, अपना ध्यान रखिएगा और अपने से प्यार कीजिएगा। थैंक यू।